हेलो फ्रेंड्स, और एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पर। और आप लोगों ने काफ़ी कमेंट्स किए हुए थे कि वी राइस लोन ऐप पर एक वीडियो लेकर आने के लिए कि आखिर हम लोग इस एप्लीकेशन का रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से, तो हमारे साथ ये एप्लीकेशन वाले क्या क्या कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों पूरी जानकारी आपको दी जाएगी इस एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उस पे आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उस पे वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करेंगे शुरू। तो सबसे पहले बात करते हैं वी राइज लोन ऐप के बारे में। तो दोस्तों अगर आप लोग इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बाकी एड्रेस वगैरह वेरीफाई करना पड़ता है। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे जो भी अमाउंट है लोन का वो आपके अकाउंट में पहुँच जाएगा। अब सबसे पहले बात ये करेंगे कि क्या वी राइज लोन एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फिर नॉन रियल है। दो तरह की एप्लीकेशन पाई जाती है प्ले स्टोर पर, एक NBFC होती है और दूसरी दोस्तों फेक लोन ऐप्स होती है। आप लोगों को ये बात मालूम होगी जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं। अब वी राइज की बात की जाए तो दोस्तों वी राइज एक तरह की NBFC लोन ऐप है और ये 100% RBI के पास है ये रजिस्टर्ड। तो अगर आप इसका एप्लीकेशन से लोन ले लेते हैं तो वो लोन आपको शो होगा आपके सिविल स्कोर में, और वहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि आपने कितना कितना अमाउंट लोन लिया है। और इन केस अभी आपके पास मान लीजिए अमाउंट नहीं है, आपकी जॉब नहीं है या आपकी मेडिकल कंडीशन अभी सही नहीं है या किसी और कारण से अभी आपके पास अमाउंट नहीं है तो आप पे नहीं करना चाह रहे या पे नहीं कर पा रहे। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि पेमेंट कर दें लेकिन पे नहीं कर पाते, इन केस उनके पास पैसे नहीं होते हैं इसीलिए। अब इस केस में आपके ऊपर ये एप्लीकेशन वाले क्या एक्शन ले सकते हैं तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन वाले दोस्तों आपको कॉल करके परेशान करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर आपने किसी भी एप्लीकेशन से खास करके NBFC से लोन लिया होगा तो वो एप्लीकेशन वाले आपको मैसेज और कॉल ये दोनों चीज़ें दोस्तों आपको लगातार करते रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। डेली डेली आपको मैसेज और कॉल करेंगे। जब शुरुआत दिन होगा तब उस टाइम आपको पास 10 मैसेज 10 कॉल आएंगे, और जैसे जैसे लेट होता रहेगा वैसे वैसे कॉल्स आना कम हो जाएंगे, या फिर कभी एक समय ऐसा आएगा कि दिन में बस एक बार कॉल आएगा और फिर दोबारा कॉल नहीं आएगा। आपका जो भी अमाउंट होगा ड्यू, मान लीजिए 5,000 रुपये आपने अमाउंट लिया था, वो 5,000 ड्यू है, तो ये भी आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि वो 5,000 अमाउंट अब 5,000 नहीं रहेगा, वो अमाउंट धीरे धीरे करके दोस्तों बढ़ जाएगा और बढ़ के 10,000 15,000 20,000 तक जा सकता है। यानी कि यहाँ पर अमाउंट का कोई भी लिमिट नहीं है, जितना ज़्यादा आप लोग लेट कीजिएगा उतना पेनल्टी चार्जेस हैवी चार्जेस आपको लगते रहेंगे, 100 तरह के फाइंस लगेंगे और आपका अमाउंट धीरे धीरे करके इंक्रीज़ होता चला जाएगा। इसके बाद आपको पेमेंट करने में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो आखिर इसका दोस्तों क्या सॉल्यूशन है। और नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि एप्लीकेशन वाले आपके ऊपर एक नोटिस भी भेजेंगे आपके फ़ोन पर। मेरे व्हाट्सएप पर भी एक मेरे सब्सक्राइबर ने मैसेज किया था, उस नोटिस को मैंने पढ़ा देखा, और इसके बाद अब आप लोग को भी जानना ज़रूरी है कि वो नोटिस दोस्तों रियल नोटिस था या फिर फेक नोटिस था। किसी भी NBFC एप्लीकेशन को बिल्कुल राइट है कि वो आपके ऊपर लीगल नोटिस भेज सकती है दोस्तों, लेकिन उस पर साफ साफ लिखा होता है कि आपने इतना इतना अमाउंट लिया है, इस नाम से लिया है और आप पे नहीं कर रहे हैं, आपके ऊपर अभी लीगल एक्शन या लीगल कार्रवाई की जाएगी। तो मैं ये बात आपको दोस्तों सबसे पहले तो क्लियर कर दूँ कि आपके ऊपर कभी भी लीगल कार्रवाई या लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता और ना ही ये एप्लीकेशन वाले कभी लेंगे। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको यहाँ पे डरा रहे हैं और डरा के आपसे पैसा वापसी चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको पैसा दिया है तो वो लोग चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द उनका पेमेंट करें। इसी वजह से ये लोग इस तरह की ट्रिक अपना के आपको लीगल नोटिस भेजते हैं। हर महीने महीने लीगल नोटिस आता है और ये लीगल नोटिस जब तक आपको आता रहेगा आप लोगों को डर लगता होगा कि हाँ मेरे ऊपर एक्शन होने वाला है, एक्शन यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में केस हो गया है, ये एडवोकेट के द्वारा आपको संपर्क कीजिए या इस लिंक पे पेमेंट कीजिए, ये आपको व्हाट्सअप पे, जीमेल पे और साथ ही में घर पर भी पहुँच सकता है। ऐसा नोटिस आपको 2 से 3 महीने बाद देखने के लिए मिल जाता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि ये एप्लीकेशन वाले फिर आपके ऊपर दोस्तों रिकवरी एजेंट की आपको धमकी वगैरह दे सकते हैं, कहेंगे कि हम लोग आपके घर पे रिकवरी एजेंट भेज रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बार एकदम क्लियर कर देता हूँ कि ये सब एप्लीकेशंस के जो भी ऑफिस होते हैं वो एक ही दो शहर में ऑफिस होते हैं, तो आप लोग खुद सोचिए कि एक दो शहर में अगर इनका ऑफिस है तो फिर आपके घर पे एजेंट कैसे आएंगे। वो एजेंट दोस्तों इलीगल एजेंट होते हैं, मैं आपको फिर से बता दूँ,
अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन से, खासकर वी राइज एप्लीकेशन से मिल रहा है धमकी कि आपके घर पे एजेंट आएंगे, तो वो आ भी सकते हैं लेकिन इलीगल एजेंट होंगे। अगर आपके पास कोई भी एजेंट आता है तो आपको सबसे पहले उनसे तीन चीज़ मांगनी है। सबसे पहले ये प्रूफ मांगना है कि वो आईडी प्रूफ, कि वो कौन है और किस एजेंसी से आपके घर पे आया है। नेक्स्ट उसके पास एक लेटर होना चाहिए ताकि वो आपको दिखाए और बताए कि देखिए मुझे पूरा पूरा राइट मिला हुआ है कि मैं आपके घर जाके रिकवरी करूँ। और तीसरा ये होना चाहिए कि जो भी आदमी आपके घर पर आया है वो आपसे दोस्तों सहजता से बात करे, आराम से बात करे। अगर हल्ला चिल्ला करके बात करता है या फिर आपकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश करता है तो उस केस में आप समझ जाइए कि वो लीगल एजेंट नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट, आपको अगर डर लग रहा है कि इस एप्लीकेशन का पेमेंट नहीं करते हैं फाइनली तो क्या होगा? दोस्तों ये तीनों चीज़ें मैंने बता दी कि ये तीनों चीज़ें अनरियल है, ये हैपन होती है, लेकिन इन सभी चीज़ों से आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मेन जो ये लोग अफेक्ट करते हैं वो क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा कि आपने दोस्तों लिया है एक तरह का पर्सनल लोन। जब आपने लोन के लिए अप्लाई किया होगा तो आपको मालूम है कि आपने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड दोनों यहाँ पर लिंक किया है। तो पर्सनल लोन के केस में ये लोग क्या करेंगे कि आपके सिबिल स्कोर को इफ़ेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपने एकदम सही सुना, सिबिल स्कोर आपका धीरे धीरे करके दोस्तों ये लोग कम करने की कोशिश करते हैं और कम कर भी देते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। तो आपका अगर अभी सिबिल स्कोर अच्छा खासा है, 700 है, 750 है या उससे भी ज़्यादा है, तो आप लोगों को देखने के लिए ये मिलेगा कि लंबे समय पर रिपेमेंट ना करने पर ये सिबिल स्कोर आपका धीरे धीरे करके कम होता जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए कम रह जाएगा आप अगर इसका पेमेंट नहीं करते हैं तो। अब यहाँ पर दो लोग आते हैं, दो ऑप्शन बचते हैं, एक वो जो फ्यूचर में रिपेमेंट करना चाहते हैं और दूसरे वो लोग जो कभी रिपेमेंट नहीं करना चाहते हैं। मैं दोनों के लिए आपको आंसर दे देता हूँ क्या होगा। अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में रीपे करना तो आपके पास दोस्तों दो ऑप्शन उपलब्ध है, या तो आप इस एप्लीकेशन से सेटलमेंट कर लीजिए, आपका जो भी अमाउंट है वो अमाउंट कम करके पे कर दीजिए और इनसे छुटकारा पा लीजिए, लेकिन सिबिल स्कोर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा और उसका बैड इफेक्ट ही देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आप सिबिल बाद में बढ़ा भी सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मैंने वीडियो बनाई हुई है कि सिबिल को कैसे बढ़ाते हैं, आप जाकर वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, और जो दोस्तों दूसरा स्टेप है वो क्या होने वाला है, तो वो भी ध्यान से समझिए कि अगर आप लोग कभी भी सोच रहे हैं इसका रिपेमेंट ना करें तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये आपको किसी भी तरह से दोस्तों अफेक्ट नहीं कर पाएंगे, ये आपको कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं उखाड़ सकते। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सिबिल स्कोर आपका दोस्तों ख़राब होगा और सिबिल स्कोर ख़राब होने की वजह से आपको फ्यूचर में लोन कहीं से भी नहीं मिलेगा, किसी अदर एप्लीकेशन से, किसी बैंक से। अगर आप लोग लोन के लिए अप्लाई करने जाएंगे या फिर सोचेंगे कि मैं लोन के लिए अप्लाई करता हूं और मुझे लोन मिल जाएगा, तो ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपको कहीं से भी दोस्तों किसी भी तरह का लोन नहीं मिलने वाला, भले ही वो आप लोग मॉर्गेज लोन लेने जाए तो मिल जाएगा लेकिन हाई इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा, जिसके चांसेस भी कम हो गए। अब इसी तरह से अगर आप लोग हमेशा के लिए पेमेंट नहीं करते तो मैंने बता दिया आपका सिविल स्कोर कम होगा। तो नेक्स्ट और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका पेमेंट करना चाहिए कि पेमेंट नहीं करना चाहिए? जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि ये एक दोस्तों NBFC लोन ऐप है और NBFC लोन ऐप का अगर आप लोग पेमेंट कर देते तो सिविल अच्छा है, फ्यूचर में लोन मिलेगा। लेकिन अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर सिबिल ख़राब होगा और फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा। यही बस और बस इस एप्लीकेशन का इफेक्ट आपके ऊपर पड़ सकता है, इसके अलावा किसी और तरह से ये आपको अफेक्ट नहीं कर सकती। इसी के साथ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही में हमारे चैनल पर अगर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में।